तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं। अब तो बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है मेरे मौला, तो फिर मस्जिद नबवी की आज़ानें भी सुना दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम साथियों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अल्लाह सुबहान तआला आपको ऐसे ही खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालोमाल रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एच के रज़ा ऑफिशियल के अंदर। तो आज 1 अप्रैल है और माह रमज़ान शरीफ का 9वां रोज़ा है मेरे अजीज़ों। तो मेरे अजीज़ों आपको बता दें कि शियाब भाई की लाइव लोकेशन, एग्ज़िट लोकेशन अभी फ़िलहाल तो किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन एक खुशी की खबर है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो जनाब शियाब साहब की जो आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में है और रोज़ा रख कर सफ़र कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ उनके लिए बिलखसूस करते रहिए और जब भी अपने लिए दुआ करें तो शियाब भाई के लिए ज़रूर दुआ करें। असर की नमाज, मगरिब की नमाज के टाइम में दुआ करें, इफ्तार के टाइम दुआ करें और अल्लाह तबारक व ताला से ईशा की नमाज के बाद, तरावी की नमाज के बाद में जो दुआ करोगे वो इंशाअल्लाह कबूल व मकबूल होती है। और आपकी दुआओं का सिला है जो इंशाअल्लाह मैं वो जो खबर आपको सुनाने वाला हूँ मेरे अजीज़ों, बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत खुशी की खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपकी दुआ सुन ली और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने शियाब भाई का जो इंस्टाग्राम चैनल हैक हो चुका था मेरे अजीज़ों, समथिंग 2 महीने पहले का बात है जो शियाब भाई का इंस्टाग्राम चैनल, जिस पर आपको पता है कि 5 मिलियन फॉलोअर थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो हैक हो चुका था। लेकिन अभी खुशी की खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शियाब भाई का वो इंस्टाग्राम चैनल उन्हें रिसीव कर लिया है और उन्हें फिर से वो चैनल उन्हें मिल गया है मेरे अजीज़ों। ये खुशी की खबर थी जो मैं आपको सुनाने वाला था। और मेरे अजीज़ों आप दुआ कीजिए कि शियाब भाई का सफ़र ऐसे ही खैर आफियत से चलता रहे और शियाब भाई खैर आफियत से मक्का शरीफ पहुंच जाए। जी हाँ अजीज़ो, आज करण का लोकेशन किसी के पास मौजूद नहीं है तो मैं क्या बता सकता हूँ, माह रमज़ान का महीना चल रहा है, झूठ फैलाना गलत बात है। लेकिन शियाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि शियाब भाई खैर आफियत से होंगे और शियाब भाई जल्द आकर उनके ऑफिशियल चैनल से अपडेट देंगे तो इंशाल्लाह हम तुरंत आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो टाइम कोई भी हो इंशाल्लाह तुरंत वीडियो आपके पास पहुँचेगा मेरे अजीज़ों। बस दुआ में याद रखिए, जब भी अपने लिए दुआ करें तो शियाब भाई के लिए ज़रूर दुआ करें और दुआ में तमाम उम्मत मुस्लिमा को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगी आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।